कुछ खाने पीने की चीजें देंगे बाहर लोगों को, मेरा पहला दोस्त और अभी तक साथ है। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। चल पी ले पूरी बोतल, थोड़ा मर गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा बर्थडे है, तो मम्मी क्या कहना चाहोगे बर्थडे पे? हैप्पी बर्थडे। और तरक्की करो, बड़ा हो चुके हैं अभी। ओके, तो आज हम कुछ खाने पीने की चीजें देंगे बाहर लोगों को, और उसके बाद प्लान है कि हम मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा, और ये छोटा सा बच्चा सैंडल्स का, सैंडल्स को जानते ही होंगे। अगर टाइम मिला तो घर वालों के साथ भी बाहर जाऊंगा, अगर घर वालों की मर्जी हुई तो, नहीं हुई अगर दिल नहीं हुआ उनका फिर घर पे देखते हैं कुछ करेंगे। बाकी ये दो प्लान है कि पहले लोगों को बाहर खाना पिलाना है, खाना खिलाना है, और फिर दोस्तों के साथ खाने पीने जाने बाहर। ओ, मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं पारस। थैंक यू भाई। तो ये मेरा पहला दोस्त है, मतलब कि नर्सरी में जब मैं पहली बार गया था तो पहला दिन जो मैं बैठा था इसके साथ भी यही था, और अभी तक मेरा दोस्त है, मेरा पहला दोस्त और अभी तक साथ है। तो अभी निकलते हैं हम दोनों ही, लेने जाएंगे सबको, और सामान भी हमने उठाना है, तो अभी निकलते हैं और सबको लेके आते हैं। और थैंक यू आयुष, वो फंस गए, मेरे साथ मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं। ये है रजत, मिल चुके होंगे श्रेयास, पारस, आयुष, और पीछे मयंक प्लेसमेंट वाला बंदा, इसकी प्लेसमेंट हो चुकी है। अभी हमने सारा सामान भी उठा लिया है, मैंने और पारस ने मिलके, श्रेयास और आयुष जो भी है, सबने मिलके उठा लिया सारा सामान। तो अभी हम जाएंगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने जो यहाँ पे बस्ती वगैरह है, और बस कुछ नहीं, चलते हैं। श्रेयास कर रहे हैं का शुभारंभ, पहले माजा फाड़ेंगे। देने देने तू देना शुरू करेगा? देगा तो तू ना यार। अच्छा मैं दूंगा। ओ एक मैं भी दूंगा। अरे रजत की बारी में कोई आया ही नहीं। तो हमने पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमारा प्लान था कि थोड़े से जो डब्बे खाने के है ना वो छोड़ देंगे, और अभी हम चंडीगढ़ साइड जाएंगे तो ट्रैफिक लाइट में बच्चे खड़े होंगे उनको दे देंगे, बट जो खाने का सब खत्म हो गया। पीने का हमने छोटे से बचा लिए कि उनको दे देंगे। बच्चे कितने वैसे पीने वाले होंगे? 10-15 के आसपास, 10-15 के आसपास होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और वहां तो 2 मिनट खड़े, 2 मिनट में सब कुछ खत्म भी हो गया, पता नहीं लगा कब 50-60 डब्बे खत्म हो गए, और पीने का भी लगभग खत्म ही है, वही 10 के आसपास रह गए हैं। तो अभी सोच रहे हैं कहाँ निकलेंगे खाने पीने के लिए हम सब दोस्त, बताओ भाई कहाँ निकलना है? श्रेयास को पता है? अंबाला चलते हैं। अंबाला क्या है? वाला चाचा बैठा उसका। जितनी भी चीजें लाए थे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सब खत्म हो गया अब, और अभी हमारा कुछ प्लान नहीं है कि कहाँ जाना है। वैसे ये बोल रहे हैं सुखना लेक चलते हैं, तो अभी चलना है सुखना लेक। चलो और क्या, तो सुखना लेक चलेंगे अभी, फिर खाने पीने के लिए अभी डिसाइड नहीं है। 4 लोकेशन ने चेक करी है, उन 4 में से एक में निकल देंगे, कहीं भी खाने पीने वहीं जाके वही जाके देखेंगे कहाँ जाना है, सरप्राइज। तो अभी हम सब आए हैं सुखना लेक में फाइनली। तो अब बताओ भाई रजत, क्या क्या करना है आज? फिर पहले सुखना लेक जाएंगे, सीनरी के मजे लेंगे, सुखना लेक थोड़ी देर वहाँ घूमेंगे ना। अच्छा, फिर मजे लेंगे, उसके बाद फिर खाएंगे पियेंगे तेरे पैसों में, और जिसका बर्थडे हो तो। हम सुखना लेक में बैठ बूट के फोटो खिंचा के निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं श्रेयास, कौन सी लोकेशन है? सुखना लेक के साइड में बैठे हैं, लेक में नहीं साइड में बैठे हैं, वही मतलब समझ गया, पता मुझे, वही तो बहुत समझदार है। तो कौन सी लोकेशन थी? सेक्टर 26, उसमें कहाँ जाने वो नहीं पता। ये नहीं पता, वो डिसाइड करेंगे वहीं जाके, पता नहीं कौन कौन सी लोकेशन है। रेट सबके सेम ही है, रेट का डिपेंड करता है सब। अभी हम जा रहे हैं ब्रू स्टेट था ना? हाँ जी, ब्रू स्टेट सेक्टर 26 चंडीगढ़, पहली बार जा रहे हैं सब। तुम में से कोई है? बस ही पार्टी यही देगा? अच्छा फिर नहीं गया, ठीक है, पता नहीं क्या है, हम पहली बार जा रहे हैं। गाइस हम 26 सेक्टर जा रहे थे और यहाँ पे लग गया बहुत तगड़ा जाम। अब हम देखने जा रहे हैं श्रेयास और मैं साइड में बैठे थे कि क्यों जाम लगा हुआ है बहुत लंबा। ओ इन गाड़ियों में ये वैसी लग रखी है साइड लाइन, हम गलत गाड़ी नहीं, हम बीच वाली लाइन में। देखो गाइस 4-door जिमनी,
अभी किसी कलर तो बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अब देखते हैं क्या होएगा, ये तो बहुत लंबा जाम है यार श्रेयास भाई। यार रजत कहां फंसा दिया गूगल मैप, पिछले वाले रास्ते से मुंडा था जहां से तू कहता है। मैं वहीं से बोल रहा था, बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है यार, होगी पार्टी। गुरलीन तो गाड़ी में बैठा है, हम देखने आए अभी, बहुत जाम है, हम पैदल चल जाते हैं, वहां रहेंगे। वही आगे कुछ हो रहा है शायद, अभी तो सब खाली पड़ी है, देख गाड़ी में कोई है ही नहीं। हमारे साथ एक वो हो गया, ये जो दो लाइनें हैं बंद खड़ी हैं, कॉलेज के बच्चे हैं जो इनको लेने के लिए खड़े हैं, सिर्फ लास्ट लाइन चल रही है वो वाली, अब हमें भी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। श्रेयास यार पोपट कट गया, नहीं यार कई बंदे हैं इस लाइन में वैसे लगे हुए हैं, पर ये अपने बच्चों को लेने के लिए खड़े होंगे ना, बहुत जाम लग रहा है, हमें भी अब लाइन चेंज करनी पड़ेगी। ये डिस्कवरी का पुराना मॉडल है, इसी के पीछे खड़ी है हमारी गाड़ी भी। तो हम पहुंच चुके हैं ब्लू स्टेट सेक्टर 26 चंडीगढ़, अभी बहुत जाम लगा हुआ था। ये ऐसा क्या नाम है, आयुष ने एक क्लिप भी बनाई है एक, और वहाँ पे एक थार खड़ी थी, काफी थार नहीं सॉरी जिमनी खड़ी थी, बड़ी आयुष ने बनाई है ना वो, अगर गुरलीन ने डाल दी चैनल बहुत चली गया भाई। मैं जिमनी की बात कर रहा हूँ, तो किसकी बात कर रहा है, जो क्लिप बनाई है इसने जिमनी के अंदर, जिमनी क्लिप बनाई है, जिमनी की बनाई है, ये रहा द ब्लू स्टेट, ये रहा पहली बार एंट्री मारेंगे। अंदर से बहुत खतरनाक बना है ब्लू स्टेट, ये दिखा क्या दिखाना है, ये ऐसे ही बना रखा है उन्होंने, प्राइस बड़े महंगे हैं, लेकिन नाम देखो पिज़्ज़ा अल्फुंजी, अल्फुंजी होता है ना। हमारा प्लान है कि फिर हम बारबेक्यू नेशन जाएंगे, अब हम ब्लू स्टेट से जा रहे हैं सीधा बारबेक्यू नेशन, क्योंकि प्राइस थोड़ा महंगा था, इन्होंने फिर बोला है छोड़ यार तू बारबेक्यू चल, क्योंकि शुरू से बारबेक्यू था प्लान, वहाँ पे खर्चा आता है 5-6 हज़ार का, पर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बैठ रहा था। बारबेक्यू में हमें बहुत चीजें मिल जाएंगी, बहुत वैरायटी, जैसे कि सिर्फ एक चीज वहाँ पे जो स्वीट कॉर्न है अनलिमिटेड टेस्टी भी है, यहाँ सिर्फ 250 के आसपास 350 लगा ले। तो हमने एक ही पिज्जा खाया टेस्ट करने के लिए, वो था 550 का था, वो खा के हम निकल लिए, और बारबेक्यू हमने अपनी सीट वगैरह बुक कर ली, हम वहाँ पे खाएंगे। पहले बारबेक्यू हमने इसलिए बुक नहीं किया क्योंकि सावन चल रहा है, चिकन खाने वाले कम लोग हमने, तो अब 3 खा रहे हैं, मैं खा रहा हूँ चिकन, 2 हो रहे हैं, तो प्लान बनाया कि हाँ निकलते हैं खाते में ही पे चिकन वगैरह जो भी है, 3 बंदे बाकी 3 नॉन वेज खा लेंगे, सॉरी बाकी 3 वेज खाएंगे, फिर आगे बारबेक्यू नेशन। हाँ टेबल मिल गया बहुत मुश्किल से, मतलब गुरलीन वगैरह की पहचान थी तो मिल गया एकदम, मिला हमें तो ये वाला टेबल मिल गया, ठीक है। सबके पेट खाली पड़े हैं, हाथी खाने लग गए, टूट पड़े, और पर ये है कि हमारे पास 1 ही घंटा खाने के लिए, पर मजे तो खाएंगे दबा के, गोल गप्पे खा रहे हैं स्टार्टिंग में, बहुत होता है 1 घंटा, बहुत है चिकन दो, एक चिकन है बहुत चिकन चल देंगे। अब बता हमारे यहाँ ना बर्फी टूगा कि नहीं, हो गया भाई हो गया। तो अगर हम ब्लू स्टेट जाते ना, खर्चा इतना ही होता सेम, पर खाने को उतना नहीं मिलता है ना, वहाँ पे होता आराम से 5-6 हज़ार का खर्चा, बट पेट किसी का नहीं भरता, यहाँ पेट भर गया। देखो ये सामने सब उठ के भाग गए डेजर्ट्स के लिए, हम 3 रह गए, हमारे पेट फुल हो गए, मेरे चिकन पड़ा है वो भी, ये क्या पड़ा है, ये क्या है, ये रे और क्या है। तो पेट तो फुल हो गया हमारे 5-4 भाई, और क्या है आगे का प्लान है, घर चलेंगे। हाँ यहाँ केक भी कटेगा, केक कटेगा मेरा भी, तुम तालियां बजाना। खत्म भी कर दी गुलाब जामुन ला रहे हैं, अच्छा बड़े टेस्टी गुलाब जामुन मिलते हैं आके, एकदम छोटे मजेदार, लेके आ श्रेयास से एक गुलाब जामुन लेके आया, इतने छोटे होते इतने टेस्टी ना, वाह क्या खतरनाक चीज है, नहीं टेस्ट तेरे को अच्छा लग रहा है, टेस्टी नहीं होते डेजर्ट में, जब भी खा रहा है तो सब गुलाब जामुन ही खाया जा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है भाई, सच्ची में बहुत टेस्टी है, टेस्ट टेस्टी बात है ना, तेरे को अच्छा लगता है बिल्कुल, अच्छा मेरे को पसंद नहीं है पर यहाँ के बहुत पसंद है, घर ले जाओ, लेके जा सकते हैं, पता नहीं ये लेके जा सकते हैं गुलाब जामुन घर पे, अलाउड नहीं है ना, अलग से उसके पैसे लगेंगे ना चार्जेस, हाँ लगेंगे चार्जेस, लगेंगे चार्जेस तो पे कर दिया जाएगा भाई, इतने पैसे नहीं है पेट भर गया क्या फायदा, घर वालों ने खाना था, इस केक का टेस्ट ना बियर जैसा है, तेरे को लगा वैसा क्या, मतलब तूने बियर पिया है, आयुष ने भी है ये सारी
चल पी ले पूरी मैं 100 रुपए दूंगा तू पी ले पूरी नहीं नहीं मैं 500 दूंगा आयुष पिएगा मैं पीता ही नहीं मैं अपने वाले अपने वाले पारस पिएगा मैं भी पीता तो लाख दे दे चाहे एक उसमें 200 तेरे 500 रख पीता हूँ अब हम खा पिए घर निकल रहे हैं और सोता रहे कैसे पर सोचने का ये है कि सबके पेट फूल है तो बैठे हैं कैसे पीछे वाले सब रजत और ये पारस आगे वो तो बाइक में जा रहा है निकल निकल मुझे भी बहुत दुख हुआ इनसे एक फोटो नहीं खींची गई मेरी वो 10 तो खींची थी 10 खींचने तो 100 खींच दी 10 क्या 100 खींची है पर अच्छी स्मार्ट तो लग रहा था फोटो में और हमारी अच्छी आ रही थी भाई इतने गंदे फोटोग्राफर हैं आंखें नहीं खुल रही थी भाई तेरी बाकी सब फोटो ओके थी गहरी हो YouTube पे बस फोटो डाल दियो भाई अच्छी नहीं है फोटो सच्ची में अच्छी नहीं खींची उन्होंने भाई साहब कमेंट करना ये भाई साहब कमेंट करना ये हमारी फोटो ऐड करेगा वीडियो में बताना क्या फायदा फोटो ऐड करके किसने कौन सी क्लिक करी है सब बताना आप सब चलो चलते हैं ड्रामे करी जाएंगे ठीक है श्रेयस भाई ठीक है भाई ओके मिलते हैं कॉलेज में थैंक यू थैंक यू ओके श्रेयस भाई चलो बाय बाय हाँ ठीक है जा जा मिलते हैं फिर बाय थैंक यू खुले हो गए अब अगला नंबर है किसका है तेरा ना रजत का ओके गुरलीन हैप्पी बर्थडे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे थैंक यू बहुत एंजॉय कराया आपने आज बढ़िया हमारे साथ और पार्टी नहीं पार्टी गिफ्ट है गिफ्ट है गिफ्ट है गिफ्ट आपको यूपीआई हो जाएगा आयुष सांस लेना तू चेक कर ले अबे सांस तो ले तो रहा है और कितने लेगा जिंदा ही है वो कुछ पता ही नहीं चल कान भी लग रहे यार बहुत भाई कान तो लग रहा है तो नकली लग रहे हैं आवाज देख कैसे आ रही है देख सांस ले थोड़ा मर रहा है तू तो मर गया वो रहा आयुष हमारा गेट कीपर ये खड़ी है गुरलीन की दूसरी कार जिससे हम पहले जाया करते थे भाई वो कार लेजेंडरी कार तो अभी हम घर आ चुके हैं तो अभी मैं लिए कुछ कपड़े लेने हैं क्योंकि मैं का बर्थडे आ रहा है कब आ रहा है कब है भाई बर्थडे अगले साल 28 जून को सब जा चुके हैं अपने अपने घर और मैं इनको भी कपड़े दिला के उसको कॉलेज भेज दिया क्योंकि उसकी 25 की ज्वाइनिंग थी और आते हुए मैं एक केक ले आया क्योंकि घर वालों के साथ भी केक काटना है तो अभी पापा आ रहे हैं अब केक काटेंगे फिर बोलो भाई हैप्पी बर्थडे टू तो मिलिए हीमैन से और हीमैन सुबह से स्कूल गया हुआ था आज वरना हमारे साथ चलता था आज बारहवीं की निशान जो मैंने अपना पहला व्लॉग बनाया था वो मैंने अपने बर्थडे पे बनाया था तो गया था कब हाँ, 2 साल पहले हाँ 2 साल पहले 2021 में तो उस वीडियो में हरमन ने मेरा साथ दिया था क्योंकि मैं इतना बोल नहीं पाता था अब क्यों नहीं देता साथ भाई मेरा कहाँ दिया हर वीडियो में तो क्या हर वीडियो में तो हर वीडियो में कहाँ 5-6 वीडियो आए जो जिसमें मैं नहीं आया बाकी तो अटैक आ गया देख लियो चैनल पे जाके देख लियो देख लेना नहीं है भाई 5-6 वीडियो में ही है ये बस अच्छा हाँ तो वही बोला ने अच्छा कि मैं 5-6 वीडियो में हूँ अच्छा हाँ। पहले तो तूने बोला 5-6 वीडियो में नहीं हूँ तो जिन्होंने मुझे विश किया उनको दिल से धन्यवाद और इस व्लॉग में इतना ही मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाय